अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 35 इंटरफेरेंस प्रॉब्लम 49 रिफ्लेक्शन बाय थिन लेयर्स का प्रॉब्लम है। वो कहता है लाइट इंसिडेंट करती है मटेरियल 2 पे परपेंडिकुलर। अब ये मटेरियल 2 सैंडविच है बिटवीन मटेरियल 1 और 3 के। अब यहां से भी अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट करेगी, लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो जब दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेयर करेंगी, या वो मैक्सिमम बनाएगी या वो मिनिमम बनाएगी। तो अब आपके पास सिचुएशन के मुताबिक आपसे वो कह रहा है मैक्सिमम रिक्वायर्ड कर रहा है, थर्ड ऑर्डर की थिकनेस मांग रहा है, वेवलेंथ 382 की नैनोमीटर की यूज कर रहा है। तो अब सिचुएशन को देखते हैं, डाटा कैसे है हमारे पास। तो हम जानते हैं कि भाई N2 वो बड़ा है N1 से, यानी इस वक्त सामने जिसमें से वो ट्रेवल कर रही है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेस है सामने वाले से। तो हम कहेंगे ऐसी सूरत में क्या आ जाएगा कि भाई कोई चेंज नहीं आएगा। तो N2 बड़ा है किससे, N3 से। तो यहाँ पे भी अब सामने वाला जिसको जाके उसने रिफ्लेक्ट करना है जहां से, वो अब उससे छोटा है, तो तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि भाई दोनों सूरतों में वो इन फेज ही होगी टक्कर खाने के बाद। तो कंस्ट्रक्टिव ही उसने मांगा तो वो पहले इन फेज है, तो 2L बराबर आ जाएगा M+1/2 लैम्डा N के। यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड लीस्ट थिकनेस के लिए M2 रख देंगे, वेवलेंथ भी पता है, N भी पता है, तो 273 नैनोमीटर की आपके पास थिकनेस आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।